पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी आज करेंगी पीएम मोदी से मुलाकात। पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक मामलों को लेकर होगी दोनों नेताओं के बीच बातचीत। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बैठक के लिए एक हफ्ते पहले मांगा था पीएमओ से मिलने का समय। एक साल पहले पीएम मोदी से मिली थी ममता बनर्जी। मोदी सरकार ने किया जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य होने का दावा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह आज जाएंगे कश्मीर। ऊर्जा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। मोदी सरकार के फैसले के बाद आज पहली बार घाटी का दौरा करेंगे आर के सिंह। आज झारखंड दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। जामताड़ा में फूकेंगे चुनावी बिगुल। सीएम रघुवर दास की जन आशीर्वाद यात्रा की करेंगे शुरुआत। संथाल परगना की सभी विधानसभाओं से होकर गुजरेगी सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा। संथाल परगना की 15 सीटों पर है पार्टी की नजर। SC/ST एक्ट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पुनर्विचार याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति MR शाह और न्यायमूर्ति भूषण गवई की 3 सदस्यीय पीठ करेगी सुनवाई। 2018 में SC/ST कानून के प्रावधानों को बदलने के खिलाफ दायर की है याचिका। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव। आज करेंगे प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन। आर्थिक मंदी और बिजली बिल की बढ़ोतरी समेत 11 सूत्री मुद्दों को लेकर बोलेंगे हल्ला। शिवपाल ने कहा, मोदी के राज में देश में लगा अघोषित आपातकाल। रामपुर से सपा सांसद आजम खान की फिर बढ़ सकती है मुश्किलें। आजम खान के चुनाव की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई आज। बीजेपी के नेता जयाप्रदा ने दाखिल की है सपा सांसद के खिलाफ याचिका। आजम पर लगाया चुनाव में गलत जानकारी देने का आरोप। कोर्ट ने आजम को भेजा पेश होने का नोटिस। गोरखपुर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के गैस बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ करेंगे सीएम आदित्यनाथ योगी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कार्यक्रम स्थल पर पूजा के बाद होगा गैस बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ। सीएम और केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। परिसर में बनाए गए 2 हेलीपैड। गुजरात में पाटीदार आंदोलन के मामले में घिर सकती है बीजेपी की सरकार। के पूज आयोग के सामने अपना जवाब देंगे कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल। पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने बीजेपी सरकार और पुलिस दोनों पर लगाया प्रदर्शनकारियों के साथ बदसलूकी करने का आरोप। 2015 में पाटीदारों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर हार्दिक पटेल ने खोला था तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के खिलाफ मोर्चा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सरकार के काम पर गहलोत सरकार की नजर। वसुंधरा सरकार के आखिरी 6 महीने के कामकाज की समीक्षा जारी। आज कैबिनेट सब कमेटी करेगी बैठक। समीक्षा कमेटी में सरकार के कई मंत्री और अधिकारी रहेंगे मौजूद। बीजेपी ने कामकाज की समीक्षा पर उठाए सवाल, कहा बदले के लिए हो रही है कार्रवाई। अमेरिका और चीन के बीच खत्म हो सकता है व्यापारिक विवाद। व्यापार वार्ता की तैयारी के लिए चीन के राजनयिक आज जाएंगे अमेरिका। दोनों पक्षों के बीच अक्टूबर में होनी है व्यापार और प्रौद्योगिकी मुद्दों पर बातचीत। मुलाकात से पहले दोनों देशों की ओर से सौहार्दपूर्ण माहौल तैयार करने की कोशिश। और 3 मैचों की T20 सीरीज में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा मुकाबला आज। मोहाली के PCA स्टेडियम में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया लगाएगी जीत के लिए जोर। धर्मशाला में बारिश की भेंट चढ़ा था पहला मैच। 22 सितंबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा तीसरा मैच।